Next question. Question says an insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 second. सवाल है, व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन? नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका एक ग्रूव है और आपका इंसेक्ट इसमें अंदर फिट हो गया है, किसी तरह से फंस गया है और वो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गोल 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 घूम ही जा रहा है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है उसने कंप्लीट किए हैं 7 रेवोल्यूशन इन आपके 100 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब है आपका जो थीटा हुआ उसको आप लिखेंगे 2 पाई, ये तो एक रेवोल्यूशन का हुआ मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आपका टोटल थीटा हो गया। ओमेगा जो होएगा, ओमेगा हो गया आपका थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 पाई को अगर आप लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय टाइम करना है हमने, तो टाइम आपका 100 सेकेंड आ गया, तो 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो आपकी जो ओमेगा की वैल्यू आ गई ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका ओमेगा हो गया इतने रेडियन पर सेकेंड। राइट, नाउ हमसे पूछा है व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, तो यहाँ पे आप स्पीड जो है उसको लिखेंगे आर ओमेगा। आर की वैल्यू अपने को दी हुई 12 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2, अभी मीटर में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 100। सो आपकी जो स्पीड है वी उसकी वैल्यू हो जाएगी ये आपकी 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 मल्टीप्लाइड बाय 22, सो वैल्यू आती है 528 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। नाउ आंसर अपने को जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिए हुए हैं, सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ क्लोजेस्ट आंसर है आपका 5.3, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।